और वहीं अगली खबर भी जबलपुर से, जहां हरियाणा पुलिस जबलपुर पहुंची और गोरखपुर से युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर खातों से अनाधिकृत लेन देन करने का आरोप था। धोखाधड़ी और संदिग्ध लेन देन करने के मामले में हरियाणा पुलिस को लंबे समय से आरोपियों की तलाश थी। हरियाणा पुलिस जबलपुर पहुंची, जहां गोलपुर में युवक को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर खातों से अनाधिकृत लेन देन करने का आरोप था। धोखाधड़ी और संदिग्ध लेन देन करने के मामले में हरियाणा पुलिस को लंबे समय से इन आरोपियों की तलाश थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस जबलपुर पहुंची, गोलपुर से युवक को गिरफ्तार किया। लंबे समय से हरियाणा पुलिस को इस युवक की तलाश थी। आरोपी पर खातों से अनाधिकृत लेन देन करने का आरोप था। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोमनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, लगातार इस युवक की तलाश में हरियाणा पुलिस थी और लंबे समय के बाद हरियाणा पुलिस ने युवक को पकड़ा है। फिलहाल क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बता दीजिए, धोखाधड़ी के प्रकरण में लगातार सबसे ज्यादा प्रकरण किए गए तो हरियाणा पुलिस जबलपुर पहुंची थी और वहां गोहलपुर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है और उनके द्वारा दो आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अपने साथ वह हरियाणा ले गई है। यूसुफ खान नाम व्यक्ति का ये नाम है, और जो बचत खाता खोलने के नाम पर लेन देन किया था, जिसमें लंबी हेराफेरी की गई थी। तो धोखाधड़ी का ये बड़ा प्रकरण सामने आया था और हरियाणा पुलिस इसको लेकर जबलपुर से हरियाणा गई हुई है। तो एक बड़ी, अब इसके बाद देखते दूसरा आरोपी है जो कब तक गिरफ्तार होता है और पुलिस द्वारा इससे पूछताछ की जाएगी और जितनी भी धोखाधड़ी है उसके कई खुलासे किए जाएंगे। बिल्कुल सोमनाथ, देखिए पूछताछ के बाद ही खुलासे किए जाएंगे। देखना होगा कि कितने रुपये की अभी तक ठगी इस आरोपी की ओर से की गई। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा पुलिस जबलपुर में पहुंची और गोलपुर से इस युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी लंबे समय से हरियाणा पुलिस को तलाश थी। आरोपी के ऊपर अनाधिकृत लेन देन का आरोप है। कई खातों से इसकी ओर से अवैध लेन देन किए गए हैं, जिसको लेकर युवक को पकड़ा गया है। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है।